वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और बहुत अच्छा फीडबैक भी मुझे मिला है स्टूडेंट्स के तरफ से। कई स्टूडेंट्स ने कहा है, व्हाट्सएप से मुझे मैसेज किया है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कई स्टूडेंट्स ने चैनल को भी, अपने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड किया है कोचिंग के इंस्टीट्यूट को, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद है। इसी तरह आप अपने कोचिंग को, सावर्ण क्लासेस को प्यार करते रहिए और पढ़ते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इसके बारे में सिखाऊंगा। तो बेस है आज का वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसके पहले मेरा एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले कि मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोग इस चार्ट को अच्छे से उतार लीजिए। बोर्ड पे जितनी भी बातें लिखी हैं इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए, ताकि जब मैं इसको मिटा दूं आप लोगों को समझ में आए, कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आप लोग ये बात मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि किसी भी एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ एक सब ऑर्बिट होता है 1s, सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट होते हैं 2s 2p, सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4b 4p 4d 4f, फिफ्थ ऑर्बिट में 5s 5p 5d, सिक्स्थ ऑर्बिट में 6s 6p और सेवेंथ ऑर्बिट में 7s होता है। लेकिन अब आप समझिए इनके एनर्जी का जो लेवल होता है वो कैसे होता है। एनर्जी के लेवल को देखने के लिए मैंने जो इस तरह से क्रॉस क्रॉस पैटर्न बनाया है, आप लोग इस पैटर्न को नोट कर लेंगे और यही होता है इनके एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। कहने का मतलब सबसे कम एनर्जी होता है 1s का, उससे ज़्यादा एनर्जी होता है 2s का, देन 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इस पैटर्न से एनर्जी का लेवल बढ़ता जाता है और इस लेवल को मैंने यहाँ पर लिख रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे कम एनर्जी 1s का होता है, इससे अधिक एनर्जी 2s का होता है, उससे अधिक एनर्जी 2p का, देन 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इस तरह से एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको सजा लिया है। आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए कि किसका एनर्जी कम होता है और किसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो आप लोग इस पैटर्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि एनर्जी लेवल का पैटर्न क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये समझिए। द फेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छे से समझ लीजिए, द फेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी किसी भी परमाणु के कक्षकों में कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था को हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये तो बात हुआ डिफिनीशन का, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनीशन क्या है। आप लोग, मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए और नोट कर लीजिए। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल इज कॉल्ड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात किसी परमाणु में
कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एग्जांपल्स में आप भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, तत्काल आप ये समझिए ये चार्ट, और इस चार्ट के आधार पर ये पैटर्न आपको याद कर लेना है। दूसरी बात, आपको ये नोट याद रखना है, ये दोनों नोट याद रखना है। पहला, ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, ये आपको याद रखना है, एस पी डी और एफ चार सबऑर्बिट होते हैं जिनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब आप ये समझिए कि अगर ये ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अगर हाफ भी फिल हो रहा है, तो ये सब ऑर्बिट्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वो स्टेबल हो सकते हैं। यानी कि एस ऑर्बिटल जो है एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन दोनों से स्टेबल हो सकता है, पी जो है वो 3 या 6 दोनों से स्टेबल हो सकता है, सिमिलरली डी 5 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, और F 7 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो सकता है। इट मीन्स एन ऑर्बिटल मे बी स्टेबल बाय द कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड ऑर्बिटल मे बी स्टेबल। या तो फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप दूसरा नोट समझिए, क्या द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ऑर्बिट मस्ट बी रिटेन टुगेदर, यानी सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स को हमेशा हमेशा और हमेशा एक साथ ही लिखेंगे। आप कहेंगे कि सर यहां तो 3s 3p के बाद पहले 4s आ गया और तब 3d लिखे हैं, तो आप समझिए ये एनर्जी का लेवल है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे नहीं। तो लिखेंगे कैसे, आप लोग ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को इसमें किस तरह से भरते हैं, आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग 1s देन 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p देन 7s। जब भी 1 वाले को लिखेंगे एक साथ लिखेंगे, 2 वाले ऑर्बिट को एक साथ, 3 वाले को एक साथ, 4 वाले को एक साथ, 5 वाले ऑर्बिट को एक साथ, 6 वाले को एक साथ और 7 वाले को एक साथ। यानी द ऑर्बिट ऑर्बिटल ऑफ सेम ऑर्बिट मस्ट बी रिटेन टुगेदर, सेम ऑर्बिट के जितने भी ऑर्बिटल हैं उनको हमेशा एक साथ ही लिखा जाएगा। एस वाले को 1 वाले को एक साथ, 2 वाले को एक साथ, 3 को एक साथ, 4 को एक साथ, 5 को एक साथ, 6 को एक साथ और 7 को भी एक साथ ही लिखेंगे। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो ये होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में सबसे पहले, फिर जाएगा 2s में यानी सेकंड नंबर में, फिर जाएगा 2p में यानी थर्ड नंबर में, फिर उसके बाद 3s फोर्थ नंबर, देन फिफ्थ नंबर। अब 3p के बाद हम भरेंगे 3d में, यानी 3p के बाद 3d का जगह छोड़ देंगे, पहले भरेंगे 4s में, छठे नंबर में इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। देन जब 4s कंप्लीट हो जाएगा, देन आएगा सातवें नंबर में, हम आएंगे 3d में। 3d के बाद बारी है 4p का, यानी आठवें नंबर में 4p, 4p के बाद बारी है 5s का, यानी 4p के बाद 4d और 4f होता है, इसका जगह हम लोग छोड़ देंगे और पहले भरेंगे 5s में यानी नाइन्थ नंबर। 5f के बाद बारी है 4d, यहाँ जो हम जगह छोड़े थे यहाँ दसवां नंबर में हम लोग भरेंगे 4d में। 4d भरने के बाद 5p, 4f का जगह छोड़े रहेंगे, पहले भरेंगे 5p 11वें नंबर में, और जब 5p में हम लोग भर देंगे तो बारी है 6s का, यानी 5d का जगह हम लोग छोड़ देंगे, पहले भरेंगे 6s में यानी 12वें नंबर में। जब 6x भर जाएगा तो बारी आएगा 4f, जब हम लोग जगह छोड़े हुए थे यानी अब बारी आया 4f का, यानी 13वें नंबर में 4f, 14वें नंबर में 5d, 15वें नंबर में 6p और 16वें नंबर में 7s। यानी लिखने का क्रम ये है लेकिन भरने का क्रम ये है,
इसको अच्छे से समझ लीजिए, यही आपको याद रखना है। अगर आप ये याद नहीं रखते हैं, ये भी याद रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको याद रखना है 1s एक साथ रहेगा, 2s 2p एक साथ लिखना है, 3s 3p 3d एक साथ लिखना है, 4s 4p 4d 4f एक साथ लिखना है। लेकिन भरने का क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका जगह छोड़कर छठा, छठे के बाद फिर जो जगह छोड़े उसमें सातवां, फिर आठवां, फिर इन दोनों का जगह छोड़ के पहले नौवां नंबर में भरेंगे 5s में, फिर दसवां, फिर ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, देन 14, 15 और 16, ये भरने का क्रम है। हो सकता है कि कह रहे होंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ये, वो और ये, और एग्जांपल्स पे आपको समझ में आएगा। मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप देखिए बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अगर आपको समझाएंगे बहुत आसानी से समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आसान कोई भी चीज़ नहीं होता है, बहुत आसान होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। लेट अस कंसीडर, हम लोग बात करते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर होता है 11। उम्मीद करते हैं सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, और अगर याद नहीं होगा मैं अलग वीडियो में आपको एटॉमिक नंबर पढ़ा दूंगा कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है। आपके बुक्स में होगा, आप याद कर सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन भरने की, सबसे पहले बारी आता है 1s का, 1s का, और s में मैक्सिमम हम रख सकते हैं कितना, दो इलेक्ट्रॉन, दो भर देते हैं। देन बारी आया 2s का, ये भी s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम जा सकता है दो इलेक्ट्रॉन। नाउ 2s के बाद बारी आया 2p का, 2p में मैक्सिमम हम रख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, भर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इस बात पे ध्यान रखना है 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चेक करते हैं 6 और 2 8 और 2 10, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास और बच रहा है। तो 2p के बाद बारी आता है 3s का, तो 3s में भर देते हैं, हालांकि s में रख सकता है दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास एक ही बचा हुआ है, तो हम यहां पे भर दिए एक इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अगर बात करते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, देन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 6, 2, 8 और 2, 10 भर चुके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन अभी और बचा है। 2p के बाद बारी है 3s, 3s, s में मैक्सिमम रख सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और हमारे पास बचा कितना है, 7, तो 2 इसको दे देते हैं। अब हमारे पास बचा 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3p के बाद बारी है, 3s के बाद बारी है 3p का, p में मैक्सिमम रख सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास बचा कितना, मात्र 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको दे देंगे 5, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। एक और एग्जांपल बताते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे बात करते हैं हम लोग आयरन, Fe, एटॉमिक नंबर 26, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे और बढ़ते चलेंगे जब तक 26 ना पूरा हो जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखिए कितना पूरा हो गया, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 6, 16 और 2, 18, 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं। 3p के बाद बारी आता है, 3p के बाद बारी आता है 4s का, लेकिन यहाँ देखिए ये 3d है, यानी 3p के बाद हम लोग 3d में नहीं भरेंगे, 3d का जगह यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे और पहले भरेंगे 4s2। देखिए 20 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं, अब बारी बचा 6 इलेक्ट्रॉन हमारा बच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, 26 में से 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 4s के बाद बारी किसका, 3d का, छठे नंबर के बाद सातवें नंबर पे आएंगे, यानी हम लोग जो यहाँ जगह छोड़े हैं यहाँ भरेंगे 3d6, 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है d, और हमारे पास बचा 6 ही है, तो 3d6 भर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। इस तरह से Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इसके आधार पर।
एक स्पेशल नोट में आपको बता रहा हूं, नोट समझिए। जैसे क्रोमियम, इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं ये समझिए, और उसको कैसे सुधारेंगे ये समझिए। अगर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और अगर हम इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट है, अच्छे से समझिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद किसका बारी, 4s का, 4s2। 3d का जगह हम छोड़ चुके थे, क्योंकि पता है कि 3p के बाद 3d होता है, लेकिन हमको पहले भरना है 4s में, तो 3d का जगह छोड़ दिए, पहले भरे 4s में। कितने इलेक्ट्रॉन को भर दिए हम लोग, 6, 2, 8, 2, 10, 6, 16 और 4, 20 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, यानी यहाँ हम लोग भरेंगे 3d4। लेकिन आप लोग समझ लीजिए, अगर हम लोग भरेंगे 3d4, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा गलत। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया, ये सर्टेन एग्जांपल्स ऐसे आपको एक्सेप्शंस में मिलेंगे। आप अगर यहाँ गौर से देखें, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट, यहाँ पर 4s2 है, कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉन, यानी ये स्टेबल है, ये 3d4 है, ये स्टेबल नहीं है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कर दे ट्रांसफर, तो यहां हो जाएगा 3d5 और यहां हो जाएगा 4s1। s1 इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबल होता है और d5 इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबल होता है, यानी अगर बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से दोनों स्टेबल हो जाए। ये बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में ट्रांसफर करने से अगर दोनों ऑर्बिटल स्टेबल हो जाए, तो हम लोग ऐसा कर देंगे, और यही कारण है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाता है। यानी इसका जो एक्चुअली सही कॉन्फिगरेशन है वो हमारा ये है, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड देन 3d5। ये है हमारा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तक तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए इस थ्योरी के आधार पर, और भी आगे भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 तक आप इस कॉन्फ़िगरेशन से, इस पैटर्न पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बनाइए, और अगर कहीं कोई दिक्कत होता है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। आगे जाकर के काफ़ी जो हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं उन पर ये थ्योरी कभी कभी काम नहीं भी करता है, तो लेकिन लगभग पे काम करता है। कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जिस पे ये काम नहीं करता है, लेकिन पैटर्न सही है, लगभग एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार अच्छे से इस पूरे को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9473162349, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ख़त्म हो गया। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हुंड्स रूल है, और बॉब प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सब क्या है, क्वांटम नंबर ये क्या है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो इस तरह से समाप्त हो गया आज तक। हुंड्स रूल क्या होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला वीडियो। तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतज़ार। समाप्त हुआ आज का वीडियो, इंतज़ार करिए अगले वीडियो तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस में।
उम्मीद करते हैं कि आज मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अपना 100% दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खूब मेहनत करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में और अच्छे नंबर से पास करेंगे। आप लोग टारगेट अपना अचीव कीजिए, आप लोग नीट की तैयारी कीजिए, AI ट्रिपल ई की तैयारी कीजिए, जो भी सब्जेक्ट जिस भी जो भी आपका टारगेट है आप उसकी तैयारी कीजिए। जहाँ भी दिक्कत होगा आई एम हेयर, मैं हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और पहले भी बता चुका हूँ आप मुझे मिल सकते हैं, मैं आपको मिल सकता हूँ। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। सावन क्लासेस करके अपना चैनल है, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि टाइम टू टाइम जो मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूँ आप उसको ज्वाइन कर सकें। जो फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह मैं दे रहा हूँ वो आप लोगों को टाइम से मिल सके, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम ऑफर्स वगैरह भी आते हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो इस तरह से आज का बात यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगला टॉपिक का वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आप लोगों के सामने आऊँगा, तो अगला टॉपिक बहुत मज़ेदार होगा और बहुत मज़े से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतज़ार। समाप्त हुआ आज तक, इंतज़ार करिए कल तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सावर्ण क्लासेस में। गुड बाय।